ये प्रोस्टेट का डिसीज़ था। ये प्रोस्टेट का डिसीज़ मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करता था तो ठीक था, लेकिन कभी कभी बढ़ जाता था। तो एक दिन ऐसा बढ़ा तो ऑपरेशन की बारी आई, तो ऑपरेशन में मुझे ले गया, तो उसी टाइम मेरा जो ऑक्सीजन था वो 72 पॉइंट था। तो ऑपरेशन में दिक्कत आने वाली थी, तो मेरी लड़की डॉक्टर है, उसने बोला कि पापा आप मेडिटेशन करो, मैं भी मेडिटेशन करती हूँ। तो रात को हम दोनों ने मेडिटेशन किया, तो मेरा ऑक्सीजन जो 72 था वो 96 हो गया। मेरा नाम रुपेश कुमार एन अमीन है, मैं गुजरात के रहने वाला, वहाँ गांधीनगर है जो कैपिटल बोलता है वहाँ रहता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस मेडिटेशन के बारे में, ये प्रोस्टेट का डिसीज़ था। ये प्रोस्टेट का डिसीज़ मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करता था तो ठीक था, लेकिन कभी कभी बढ़ जाता था। तो एक दिन ऐसा बढ़ा तो ऑपरेशन की बारी आई, तो ऑपरेशन में मुझे ले गया, तो उसी टाइम मेरा जो ऑक्सीजन था वो 72 पॉइंट था। तो ऑपरेशन में दिक्कत आने वाली थी, तो मेरी लड़की डॉक्टर है, उसने बोला कि पापा आप मेडिटेशन करो, मैं भी मेडिटेशन करती हूँ। तो रात को हम दोनों ने मेडिटेशन किया, तो मेरा ऑक्सीजन जो 72 था वो 96 हो गया, और उसी टाइम मेरा ऑपरेशन बहुत सक्सेस हुआ। इसी वजह से मैं हर रोज़ मेडिटेशन करता हूँ। मैं 2 दिन पहले कोस्की वैली में ठहरा था, तो वहाँ मुझे रात को बहुत ठंड लगता था। रात के 1:30 बजे मैं उठ गया, फिर मैंने सोचा कि ऋषि मुनि लोग बाहर खुले में नदी नाला में नहाते हैं, तो उसको कुछ नहीं होता, तो मुझे क्या होगा। तो ऐसा सोच के मैं ठंडा पानी से नहाया, मेरा एज अभी 79 रनिंग है। मैं बिना सोचे मैंने स्नान किया, स्नान करके फिर मैं बाद में मेडिटेशन में बैठा आधा घंटा। फिर सब कपड़े पहने, वो वृंदावन धाम है वहाँ मैं मेडिटेशन में बैठा, तो मेरा अच्छा दिन, सारा दिन ऐसा फ्रेश हो गया। इधर मेरी जो बेटी है डॉक्टर, उसने एक दफ़े बोला कि पापा ये बहुत अच्छा है, तो एक दफ़े तो हमने यूट्यूब पे सुनाई दिया, तो यूट्यूब हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने भी सोचा कि हमें भी ये जानना ज़रूरी है। तो उसने बोला कि पापा ऐसा एक शिविर चल रहा है हैदराबाद में, आपका आप आओगे? मैंने बोला हाँ मैं आऊँगा। मैं और मेरा मिसेज हम दोनों एजेड है, लेकिन इधर की कोई कुछ पता भी नहीं चला हमें, और अच्छी तरह से हम इधर ठहरते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इधर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हमने जो जन्म लिया है उस जन्म के बारे में तो कुछ पता ही नहीं, इधर आने से अपने जन्म के बारे में कुछ जानना मिलता है, आप क्यों इधर आया, क्या करने का है, वो सभी गाइडेंस मिलता है। वो गाइडेंस के बारे में मेडिटेशन करके सब लोग कुछ ना कुछ जानकारी पाते हैं, तो इससे उसको बहुत इंटरेस्ट आता है और वो लोग आगे बढ़ता है, इसलिए इधर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हम लोग खुश हो गए, पत्री जी को हम दोनों ने नमन किया, और इतने लोग हम बोलते हैं कि खुद भगवान इधर आया है, इधर खुद गोड़ है, गोड़ आके इधर सबको दर्शन देता है। हम ऐसा लगा फीलिंग, हम ऐसे करते हैं कि यहाँ भगवान है। हम लोगों को यह बताता है कि देखो भाई, अपना नाम ठाम है, अपना बॉडी है, ये कुछ काम का नहीं है, जो काम का है वो आत्मा के बारे में है। तो इधर इससे आत्मा की अच्छी जानकारी मिलती है, मेडिटेशन की तुम्हारा आत्मा से जानकारी होती है, और इससे तुम आगे बढ़ सकता है। ऐसे तो लोग कई लोग आते हैं, मेरा लड़का भी उसमें शामिल है, लेकिन वो अभी उसका ड्यूटी बहुत है, डेप्यूटी मामलेदार है गुजरात में, और सभी को जो जो बात करता है अच्छा लगता है, और वो लोग भविष्य के बारे में आएंगे।